Hello those मैं हूं हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा पे और हम लोग कर रहे थे योजना सीरीज तो आज जो हम योजना करने जा रहे हैं उसका नाम है पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना ठीक है तो so, जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कृपया कर दीजिए साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस एस सी बैंकिंग रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहाँ पे योजना पूछे जाते हैं तो आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का योजना तो जीएस पेपर टू से इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखिएगा रहे जो टॉपिक कवर करेंगे जैसे हेल्थ हो गया इशू रिलेटेड टू द चिल्ड्रेन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन हमारा सिलेबस है जीएस पेपर टू का तो कॉन्टेक्स की बात कर लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों चल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है रिक्वेस्ट किया है किसको स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरीज को कि वो जो मिलिटेंस है यानी जो बाजरा है बहुत लोगों ने बाजरा नहीं देखा होगा तो मेनली बाजरा जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज जाके देखिए बाजरा क्या होता है तो गूगल पर सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा तो बाजरा जो बहुत लोग खाते हैं ठीक है उसको पीएम पोषण स्कीम के अंदर इंक्लूड करने की बात की गई है अब ऐसा क्यों है मैं बता देता हूं आपको देखिए पहले पीएम पोषण स्कीम जो है पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना को हम लोग पीएम पोषण स्कीम भी कहते हैं तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा अगर पूछ दे कि पीएम पोषण क्या है ठीक है तो नीति आयोग तो इसको इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि प्रेफरेबली आप उस डिस्ट्रिक्ट को चुनिए जहाँ पे मिलिटेंट्स खाने की एक कल्चरल फूड हैबिट हो कल्चरल फूड हैबिट का मतलब क्या है जैसे तमिलनाडु में चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो क्या है वो कल्चरल फ़ूड हैबिट है तो ऐसे मेनली आप ऐसे डिस्ट्रिक्स को फाइंड कीजिए जो कल्चरल फूड को प्रमोट करते हैं जैसे मिलिटेंट्स हो गया वहाँ पर आप इसको लागू कीजिए तो नीति आयोग थी उसने क्या कहा कि सुनो भाई तुम जब ये कर ही रहे हो तो मिलिटेंट्स को मिड डे मील प्रोग्राम में भी क्यों नहीं इंक्लूड कर दे रहे हो ठीक है जैसे जो तुम पोषण स्कीम चला रहे हो उसके अंदर इंक्लूड कर दो ठीक है तो मूविंग अवे फ्रॉम राइस एंड वीट मतलब आज राइस एंड वीट्स तक आप जब सीमित थे तो अब क्या हो रहा है इसमें एक और चीज बात की जा रही है ऐड करने की वो है मिलिटेंट्स यानी बाजरा ठीक है ये तो न्यूज की बात थी कि न्यूज में क्यों चल रहा है क्यों चर्चा हो रही है अब पीएम पोषण स्कीम क्या होता है जान लेते हैं तो यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया था प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और पीएम पोषण कब सितंबर 2021 को ठीक है इसमें करीबन खर्चा जो निकला था वो निकला था रुपीज वन ट्रिलियन करोड़ का कुछ ठीक है और इसमें एक चीज मैं लिखना भूल गया यहाँ पर ठीक है सॉरी मैं वही याद कर रहा था कोई बात नहीं मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ सर यहाँ पे कुछ मेंशन होता ठीक है अब तो आगे बढ़ते हैं छोड़िए प्रोवाइडिंग क्या करना था उद्देश्य अब हम पीएम पोषण स्कीम क्यों चला रहे हैं ताकि हम एक वक्त का गर्म खाना प्रोवाइड कर सकें जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एड स्कूल से जुड़े हुए हैं चाहे तो जो पूरा सरकारी स्कूल है या जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है ठीक है वहां पे हम एक टाइम लगभग एक टाइम क्या कर सके गर्म खाने की व्यवस्था कर सके ठीक है ये स्कीम जो चलाया गया है ये चलाया गया है नेशनल प्रोग्राम मिड डे मील जो मिड डे मील स्कीम चल रहा है स्कूलों के अंदर उसके अंदर इसको चलाने की बात कही गई है ठीक है जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा कि सरकारी स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है ठीक है तो इसका जो ईयर लॉन्च करने का है वो है 2021 से लेकर 2025 जिस तक यानी इसकी अवधि 5 साल रहने वाली है इस आ, जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि पीएम पोषण अभियान का कैरेक्टरिस्टिक्स को या फीचर्स क्या है तो ये कवरेज किसको किसको देगा प्राइमरी पहला प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी यानी एक से पांच वर्ष के एक से पांच क्लास के कक्षा के, तो, के, के बच्चों को और छः से आठ तक के कक्षा के बच्चों को यह प्रोवाइड करेगा अनाज ठीक है कितना तो जो एक से पांच यानी प्राइमरी स्कूल के बच्चे होंगे उनको सौ ग्राम ठीक है और जो अपर प्राइमरी होंगे छः से आठवीं तक के उनको एक सौ पचास ग्राम ठीक है डेली प्रोवाइड किया जाएगा डेली कैलोरी ताकि वो इंश्योर कर सके कि उनको जो मिनिमम 700 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके ठीक है यहां तक कि इसमें जो प्री प्राइमरी क्लासेस है ना जैसे प्ले स्कूल वगैरह जैसे यहाँ पे लिखा बाल वाटिका ऐसे वगैरह को भी इंक्लूड किया जाएगा जहां तीन से पांच साल के बच्चे जाते हैं ठीक है न्यूट्रिशन गार्डन की बात कर लें तो यहाँ पे लोकली लोकल, लोकल फूड्स को जो लोकल न्यूट्रिशन ग्रोथ आई फूड आइटम्स होंगे उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा ठीक है जो स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन से लिए जाएंगे इससे क्या फायदा होगा ऐसे स्कीम से क्या फायदा होगा एक तो पोषण तो मिलेगा बच्चों को दूसरा लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट होगी ठीक है सरकार क्या करेगी अनाज खरीदेगी अनाज खरीदेगी तो उससे क्या होगा पैसा मिलेगा लोगों को जो अनाज उगाए हैं स्कूल तक पहुंचाएगी और स्कूल जब उस, वो बच्चे तक पहुंचेगी तो उससे पोषण मिलेगा ठीक है इसमें मेनली एफ पीओ का इस्तेमाल किया गया है जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का इन लोग के साथ साथ ही साथ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन दोनों को मिला के इन दोनों का एक तरह का संगठन मिला के ये स्कीम को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके इनका साथ मांगा गया है ठीक है तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का बात कर लेते हैं तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो चिल्ड्रेन में होगा वो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है जो मेनली एनीमिया जैसे जैसे अंडर वेट वगैरह वे हो गया ऐसे बच्चों को फाइंड किया जाएगा और उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है ये जो फंडिंग है ना जिसे ये फंडिंग जो की जाती सेंटर जो सेंटर से है सेंट्रल जो है आप सेंट्रल सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं फंडिंग के लिए इससे फायदा होगा कि एक सेंटर और स्टेट मिल के चला रही है तो मिला मिल के चलाएगी तो जो फंडिंग का रिस्ट्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है ठीक है जो फंडिंग रिस्ट्रिक्शन होता है वीट राइस के लिए जैसे कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है स्पेशली कि आपको इतना वीट में इतना देना खर्च करना ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ठीक है अभी करेंटली इसका बात किया जा यह कहा जा रहा है कि अगर कोई भी स्टेट या यानी राज्य मेनू के अंदर कोई भी चेंजिंग करना चाहता है तो मेनू में क्या है अभी वीट है राइस है पल्स है और वेजिटेबल्स है ठीक है अगर उसके साथ वो मिल्क या अंडे को जोड़ना चाहे तब उसका कॉस्ट वो खुद बियर करेंगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार उसका कॉस्ट बियर नहीं करेगी ठीक है अगर वो ऐड कर रहे हैं तो ठीक है इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं नहीं भी करना चाहे तो कोई बात नहीं ठीक है उसी तरह एक तिथि भोजन आइडिया दिया गया है क्या दिया गया है इसमें क्या है कि एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है जहां पे लोगों द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है ठीक है इसमें क्या होता है कि हम एक स्पेशल फूड प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रेंस को किसी स्पेशल त्यौहार पे जैसे कोई भी त्यौहार पकड़ लो उस उसपे क्या होता है जो स्पेशल फूड आइटम्स होते हैं उस त्यौहार के लिए जैसे कोई भी त्यौहार मनाते हैं उसका कोई स्पेशल फूड आइटम होता है तो बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए एक तरह का ये तिथि भोजन आई दिया गया है आइडिया कॉन्सेप्ट फिर डी डीबीटी जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं इसको क्यों इंक्लूड किया गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरीज को बोलना बोली कि आप इसे डीबीटी में रखिएगा क्यों रखिएगा क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर में उनको कंपनसेशन डायरेक्टली मिले कोई भी लीकेज ना हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ठीक है ऐसा होता है ना कि लोग काम किए पैसा उन तक पहुंचाए नहीं तो डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सरकार केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसा पहुंचाएगी आपके बैंक अकाउंट के अंदर ठीक है बीच में कोई गैप नहीं ठीक है न्यूट्रिशन एक्सपर्ट इसमें क्या करेंगे वो क्या करेंगे वो स्कूल जाएंगे ठीक है स्कूल जाके क्या करेंगे वो इंश्योर करेंगे कि जो बच्चे की हेल्थ है उसको चेक करेंगे जैसे बीएमआई चेक करेंगे वेट चेक करेंगे हेमोग्लोबिन लेवल्स चेक करेंगे इससे क्या फायदा होंगे इससे ये फायदा हो गया कि जो पोषण अभियान हम लोग ने चला के रखा भी उसका जो रिजल्ट है वो क्या सरकार के हिसाब से आ रहा है या नहीं आ रहा वो चेक करके वो बताएंगे ठीक है ये तो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की बात हो गई डीबीटी बता दिया अब देखो स्कीम कोई भी चलता है तो उसकी ऑडिटिंग भी की जाती है कि वो स्कीम सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं तो सोशल ऑडिट की जाएगी इसके तो, इसमें इसमें क्या होगा ना कि हर एक स्टेट अपना ये कर सकता है मतलब सोशल ऑडिट चुन सकता है यहाँ पे हर एक सॉरी चुन नहीं सकता मतलब सोशल ऑडिट uh, होगा हर एक स्टेट का पर्टिकुलरली ये नहीं होगा कि एक ऑडिटिंग वाला मैन है उसी को भेजा जा रहा है बिहार उसी को भेजा जा रहा है झारखंड उसी को भेजा जा रहा है उत्तर प्रदेश उसी को भेजा जा, जा रहा है दिल्ली तो ऐसा नहीं होगा जहां के जो सोशल ऑडिट होंगे जैसे बिहार में है सोशल ऑडिट तो वो बिहार के चेक करेंगे झारखंड वाले झारखंड के चेक करेंगे राजस्थान वाले राजस्थान के चेक करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा ना इससे तो एक इफिशेंसी आएगी ठीक है और जो बर्डन ऑफ वर्क होता है वो कम हो जाएगा ठीक है और गवर्नमेंट तक एक्चुअल डेटा ऑन टाइम डेटा पहुंचेगा ठीक है? क्यों, क्यों है मांग इसलिए कर रहे हैं माल न्यूट्रिशनिया अमोनिया है जैसे अमोनिया नहीं सॉरी एनोमिया ऐसे ही कुछ बोलते हैं इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें आप देख लेना इसको अगर मैं गलत प्रोनाशिएशन कर रहा हूँ तो आप इसको कर लेना तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जो जैसे जो कम हाइट के बच्चे हैं जिनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं है वो बढ़ता जा रहा है अगर हम एक सर्वे की बात करें तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो क्या बताता है कि 2019 से लेकर 20 तक में 35.5 दशमलव प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं ना जो पाँच साल से कम है लेकिन उनकी जो हेल्थ है वो पाँच साल के बच्चे से यानी उसकी जो हाइट है वो कम है यानी जो एक अच्छे घर में एक नॉर्मल बच्चे की जो ग्रोथ देखी जाती है साल में एक्सपेक्टेड ग्रोथ होती है उससे बहुत कम है उनका हाइट बहुत कम है यहाँ तक बत्तीस दशमलव एक प्रतिशत बच्चे तो ऐसे हैं जो अंडरवेट है ठीक है इसका मतलब क्या है कहीं ना कहीं उनके न्यूट्रिशन पूरे नहीं हो रहे हैं क्योंकि ओवरऑल शरीर का ग्रोथ का होता है जब आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है अगर 2021 ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट की बात करें तो यह रिपोर्ट क्या बताता है कि इंडिया ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया है इंडिया कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहा है जो अनेमिया या चाइल्ड उड वेस्टिंग पे काम करे ठीक है ये लोग का तो ऐसा रहता ही है थोड़ा बहुत ग्लोबली बट अगर ये ऐसा है तो बहुत खराब बात है कि इंडिया को इसके ऊपर काम करना चाहिए ठीक है और भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे लोग भूखे रहें या उनका अंडर ग्रोथ हो तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है कहीं कही ना कहीं ठीक है तो और चाइल्डहुड वेस्टिंग की बात करें तो सत्रह परसेंट कुछ लगभग हो रहा है ठीक है फाइव पांच साल के बच्चों में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या करता है कि जो इंडिया की रैंक है वो 116 के आसपास है 174 कंट्रीज में मतलब हम लोग तो सौ कंट्री के भी अंदर में नहीं है यार इतना खराब स्थिति अपना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि कैसे माल न्यूट्रिशन को जो बच्चों के बीच में ग्रोथ करे जो आने वाला भविष्य है उनको अगर हम लोग कुपोषित रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा इंडिया के फिर कल को फ्यूचर में तो ये इस यहां से मेंस का क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बनेगा ठीक है और ये लगभग शायद खत्म हो गया हाँ ये आपका खत्म हो गया है ठीक है तो मैंने आपको एक बार कर देता हूँ सब चीज कि मैंने क्या पढ़ाया आज पढ़ा है मैंने पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना ठीक है जिसको हम लोग पीएम पोषण योजना भी बोलते हैं जीएस पेपर टू से रिलेटेड है ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेट इसमें मिलिटेंट्स यानी बाजरा का ये करें मतलब लागू करें उसमें इंक्लूड करें मेनू के अंदर और इस इसमें जो कैलोरी की बात कर दी है डेटा रख लो क्योंकि यह डेटा इंपॉर्टेंट है जान लो कि कितना जरूरत है नहीं है इससे क्या फायदा होगा दो फायदे निकल रहे हैं इससे ये फायदा पहला निकल रहा है कि न्यूट्रिशन तो पहुंचेगा इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिलेगा ग्रोथ मिलेगा इकोनॉमी में ठीक है उसके बाद तिथि भोजन एक ऐसा आइडिया प्रोग्राम चला गया जिसमें स्पेशल प्रो, फूड प्रोवाइड करने की बात करी गई फंडिंग का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दूसरी बात अगर कुछ भी एडिशनल मेनू में ऐड करना चाहें स्टेट राज्य अपने स्तर पे तो वो कर सकते हैं पर उसका खर्चा केंद्र सरकार नहीं उठाएगी ठीक है डीबीटी की बात कही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कहीं ना कहीं बूस्ट करेगी स्कीम को जो स्कीम बहुत सारी स्कीम फेल क्यों हो जाती है क्योंकि उस उसमें जो काम करने वाले वर्कर्स है उनको पैसा नहीं मिलता टाइम पे तो वो भी कारण होता है फेल होने का तो आप इस सबको मेन्सन करोगे के आंसर राइटिंग में तो आपका आंसर इफेक्टिव बनेगा डेटा मैंने दिखा दिया कि क्या बोलता है 2021 का ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट या चाइल्ड नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट सर्व आ, हेल्थ सर्वे क्या बोलता है उसमें जो पाँच पांच साल के अंदर के बच्चों का सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि जो माल न्यूट्रिशन है यानी जो हाइट कम है या अंडर बच्चे हैं उनके क्या मतलब कितनी परसेंटेज है और हम लोग ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पे कितने पीछे आते हैं इस मामले में तो ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी थी अगर अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए योजना सीरीज चल रही है आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा ऊपर में जाके देखिए जो योजना आपको क्लियर करना है वहां से सेलेक्ट देखिए और प्लीज देख के प्लीज शेयर किया कीजिए दोस्तों तक चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए इतनी मेहनत करता हूं थोड़ी मेहनत करने दो आप क्या जाएगा आपका एक सब्सक्राइब से तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो ये सब आपके लिए ही है तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ठीक है तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो जय हिंद जय जै भारत